हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ इस वक्त बाकू में अपने हॉस्टल में, और ये कुछ किचन का एरिया है, सामने लॉबी है। और मैं अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में क्रोसेंट है, और ये मेरा ऑलवेज आई लुक फॉर दिस योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट। सो बढ़िया रहता है, एक मैंने रख लिया है, बीच में कहीं भी प्यास लगेगी तो पीने के लिए। और बाकी रेडी हूँ ऑलमोस्ट, बस मैं खा के नीचे निकल रहा हूँ। और आज मैं जो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, बाय बस जाऊँगा, मैंने कोई टूर बुक नहीं किया हुआ है। मड बॉल कैनू के लिए और फायर माउंटेन जो है उसके आसपास का एरिया जो मैं देखूँगा, अगर इस सिटी के अंदर आता है, जो कि मैप पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसको मैं दूर करते हुए वो सारी दोनों चीज़ें जो है एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद नाइट तक मैं यहाँ पर आ जाऊँगा वापस। आज का जो आज है 1 जुलाई, और टाइम हो रहा है यहाँ पर 9:36। सो मैं फिनिश करता हूँ, फिर आपको आगे मिलता हूँ। तो यही कल्चर है हर हॉस्टल का, जितना भी सामान रखा है आपको खुद से यूज़ करना होता है, और उसको धो के वापस उसी जगह पर रखना होता है ताकि दूसरे लोग भी यूज़ कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्टल कल्चर इन एवरीवेयर, वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ यू विल फाइंड द सेम कल्चर। एंड दिस किचन इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर मी टू कुकिंग, एंड आई कैन वेरी इजिली कुक अवे हियर। आई कैन ब्रिंग माई स्टफ फॉर माई ब्रेकफास्ट, डिनर और वट एवर आई प्रेफर। सो यू कैन यूज़ इट दिस किचन फॉर अपने प्रेफरेंस के। यार हिंदी इंग्लिश मर्ज हो जा रही है। सो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप यहाँ पे खाना ला सकते हो और कुक कर सकते हो, और जो भी आप बर्तन यूज़ करते हो या टेंसिल्स यूज़ करते हो उन्हें आप वॉश करके वापस रख दो ताकि दूसरा बंदा यूज़ कर पाए। सो यही कल्चर है, आपको दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो भाई हॉस्टल से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन पर सीधे, या तो कुछ सोच रहा हूँ खा भी लूँ, क्योंकि जो मैंने ब्रेकफास्ट किया वो इनफ नहीं है मेरे लिए, मुझे लग रहा है कुछ खाना पड़ेगा। सो ये मेरे यहाँ से लेफ्ट राइट लूँगा तो मेरा हॉस्टल है, और ये उसके आसपास का एरिया है। कुछ मतलब यहाँ पे ना सारी बिल्डिंग्स जिस एरिया पर मैं रुका हूँ निजामी स्ट्रीट पे ऑलमोस्ट सिमिलर है, और एक ही जैसा आपको देखने को मिला है, वो कुछ अलग नहीं है। ये रोमन आर्किटेक्चर कह लो, यूरोपियन आर्किटेक्चर कह लो, कुछ वैसा ही सारा बना हुआ है। सो मैं अभी जा रहा हूँ साहिल मेट्रो स्टेशन, साहिल से मैं फिर जाके आगे 28 में जो स्टेशन है वहाँ पर उतर जाऊँगा, फिर वहाँ से इंटरचेंज करूँगा मेट्रो के लिए। और जो मेरा लास्ट स्टेशन है वो आज़ाद लिख है, फिर वहाँ से मैं बस चेंज कर लूँगा, और बस चेंज करके मैं जा रहा हूँ सीधे फायर माउंटेन से वहाँ पे, या फिर मड वोल्केनो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉर्निंग एरिया। सो ये स्टोर्स है सारे, बाकी मेट्रो कैसी ये भी वो भी दिखा दूँगा। कुछ बैंक्स एज सच हर सेंट्रल एशियन में आपको बाहर ही मिलेगा। तो भाई मैं आ गया हूँ मेट्रो में, और ये कुछ एंट्री थी, वैसे चेक पॉइंट है वैसे जैसे अपने थे दिल्ली में, और ये कार्ड ये रहा मेरा, इसका बैलेंस मैं आगे जाकर चेक कर लूँगा। मेरी वॉइस चेक हो रही है यहाँ पे, यहाँ से एंट्री तो मिल जाएगी। और ये दो स्टेशन का नाम है, एक रेड और ग्रीन लाइन है, तो अभी ट्रेन आ चुकी है, मैं आपको वेट करूँगा, उसके बाद जाऊँगा आपको दिखा देता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है। तो जो मेरी ट्रेन है वो है हाजी असलानाव, जो आपकी ट्रेन, मेरे को उसमें जाना है। अभी ये कौन सी आई है मेरे को नहीं मालूम है, तो जो नेक्स्ट आएगी मैं वो जाऊँगा। तो मेट्रो देख लो सी है, ये वही वाली जो मेरे को जाना था। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी आ रही है, इसके बाद चलते हैं। हाँ चलो भाई, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो बंद करते हैं।
स्पायर माउंटेंस है, आपको अलग से बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और बुकिंग अगर करनी भी है सस्ते में तो गेट योर गाइड एक एप्लीकेशन है, मैंने चेक किया था, तो उसमें आपको 4 लोकेशन पर ले जाएंगे और प्राइस जो है वो INR में 1400 to 2100 रुपीज़, तो वहाँ प्रेफर कर सकते हो अगर आपको मैं इतना नहीं करना। तो रेस्ट ये मैंने मेट्रो ली है, इसकी डिटेल में लोकेशन पहुँचाऊँगा, उसके बाद आपको पूरे बताऊँगा कि क्या क्या कहाँ से आपको कौन सी मेट्रो लेनी है, कौन सी बस लेनी है। ये इसका नाम है, चेक कर लो, अवेलेबल है। एक चीज़ मतलब सही में अच्छा नहीं लगा जो मना किया रिकॉर्डिंग के लिए कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है भाई, एयरपोर्ट में थोड़ी है, पता नहीं क्या है कि लोगों का समझ में नहीं आता है, कुछ कंट्रीज को ज़्यादा ही करती है। दो रास्ते हैं, इधर भी जाना है उधर भी जाना है, किसमें जाऊँ देखता हूँ मैप में। अब यहाँ से मेरे को लेनी है बस, तो कौन सी बस आएगी वो मैं वही बता देता हूँ आपको। सबसे अच्छा है यहाँ पे आपको नेविगेट करना है ना, और बस आपको डिटेल्स जाननी है कौन सी एक्यूरेट बस है जो जाएगी, तो ये है एप्लीकेशन, ये वाली बाकी कार्ड, जो बाकू कार्ड है उसी के नाम से है बाकी कार्ड। सो ये ओपन होने पर आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे देखो ट्रिप जो है प्लान की हुई थी, सो मैंने यहाँ पे मेरे फेवरेट में वोल्केनो और फायर माउंटेन दोनों ऐड कर रखा है, तो मैं पहले आ रहा हूँ फायर माउंटेन पे। तो पहले जाएंगे फायर माउंटेन पे क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर साइड में है, तो उसके बाद वो नीचे उतरूँगा मैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देख लो, ये रही एप्लीकेशन, इसने दे दिया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा तो ये जा रही है बस, 46 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 11:07 पर लीव करती है। ट्रिप की डिटेल्स, ये मेरी है लोकेशन, जो मेरा लास्ट स्टेशन है वो ये है यानार दाग टैरिक्स TARIX, ये आप मैप में डालोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी, आपको यहीं उतरना है। सो मैं वहीं पर जा रहा हूँ और लेट्स सी, और बस नंबर मुझे लेना है 147। चलते हैं भाई। एक बंदा मेट्रो में खड़े होके मेरे को ऊपर से नीचे तक का पूरा आराम से देख रहा है क्या क्या मैंने पहना है क्या नहीं पहना हुआ है, कहता है लो यार। अरे जज करने वाला बड़ा सीन ख़राब है हर कंट्री में। यहाँ पे नेविगेशन करना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, कुछ समझ में नहीं आता है, ना समझ में आ रहा ढंग से, और ना ही कोई इसमें प्रॉपर डिटेल मिल रही है, ना ही कोई प्रॉपर साइन बोर्ड्स हैं। साइन बोर्ड तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कहीं पे। आई गेस बस स्टैंड यही है, चेक करते हैं। 71 खड़ी हुई है और जो मुझे लेना है बस वो है 147। रिचार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे कैफ़े को के से लिखते हैं, KAFE कैफ़े, टॉयलेट लिखा रहता है। ये 147 देखो जा रही है, यही बस है, वहाँ से क्रॉस करने का दिया हुआ है। सारी लगी हुई हैं बस, वैसे तो पता नहीं ये छोटी वाली बस में कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि बड़ी वाली बसेस में तब ऑप्शन अवेलेबल है। वो सामने मशीन दिख रही है, वहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो अगर आपको रिचार्जेस करने हो तो। तो कुछ ऐसा ही है भाई, देख लो, इन सब में तो नहीं लिखा हुआ है बसेस में, 147 ही है, वही लेंगे, रिस्क नहीं लेना है इधर उधर जाने का भाई। मतलब मेरे को ही क्यों टैनिंग इतनी हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी लोग यहाँ पर नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे टैन हो रहा है। बस में बैठ जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। और दोनों मशीन है, मशीन होनी चाहिए। 147 चेक करता हूँ, बैठता हूँ, फिर आपको अपडेट दूंगा। तो भाई बैठ चुका हूँ बस के अंदर, और ऐसे तो नहीं है, देखते हैं क्या हालत होती है पहुँचते पहुँचते। और ये सामने लिखा हुआ है 50 सेंट है, लास्ट स्टेशन तक का है, किसका है पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। और पेमेंट आपको तब करना है जब उतरोगे, तो हर स्टॉप पे जब जैसे उतर रहा है वैसे पेमेंट कनेक्ट हो रहा है, और ऐसे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं कि टैप और पे से आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो मेट्रो का जो आप कवर कर सकते हो बिना, तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है सेकेंड लास्ट स्टेशन है, यहीं पर आपको जाना है, यहीं पे मैं भी इस वक्त हूँ, और ये मैंने बस पकड़ी है। मेट्रो से निकलते ही राइट हैंड साइड पे आपको जब भी आप एग्ज़िट करोगे ना इस स्टेशन से, तो हमेशा लेफ्ट टर्न लेना एग्ज़िट करते हुए, और जब एग्ज़िट करोगे तो वहाँ से ये नियर बाई जो स्टेशन है राइट है, और एक और जो एग्ज़िट है वो एकदम इसके बगल में निकलता है, सो आप वहाँ से आ सकते हो। उसके बाद लास्ट स्टेशन जो है यानार्दिक टैरिक्स करके है, तो यहीं पर
मैं उतरूंगा वहीं से आपका 170 मीटर की दूरी पे पैर माउंटेन है और 200 मीटर तय आगे पहुंचता हूं मैं आपको वहां पर फिर दिखाऊंगा कुछ मिलेगा बीच में तो भी रिकॉर्ड कर दूंगा। भाई फाइनली आ तो गया हूं, मुझे यहीं पे बाहर उतार दिया गया था और ये कुछ प्लेसेस का नाम है। मैं यहां पे हूं इस वक्त इस लोकेशन पे 8 पे और 12 पे, मेरे को दो एक्सप्लोर करने हैं जो कि 8 पे आता है यानार द बर्निंग माउंटेन और 12 पे आता है मड वोल्केनो। सो ये दो ही मुझे एक्सप्लोर करने हैं। देखते हैं फीस वगैरह कितनी है क्या है। ये सामने काउंटर है, चेक कर लेते हैं कितना है। लोकल विजिटर फॉरनर 9 रुपीज़। सो ओपनिंग जो है भाई अभी यहाँ पे जो एवरी डे है वो 10 बजे से 8 बजे तक है और लोकल का भाई 2 मन्नत है और फॉरनर्स के लिए 9 मन्नत, यानी कि हो गया आपके कम से कम 500 रुपये की प्राइस है, एंट्री फीस है। तो मैं 9 मन्नत का लेता हूँ, देखता हूँ फिर आगे बात करेंगे। तो एंट्री मिल गई है, अब जाना है 8 नंबर और 12 नंबर की तरफ। ये देख लो बर्निंग माउंटेन कुछ ऐसा है भाई, धूप तो बहुत है। और साइड भी अवेलेबल है, ये पीछे आप देख पा रहे हो ना ये फायर माउंटेन है और मैं अभी आगे जा रहा हूँ, नीचे भी उतरूंगा वो भी रिकॉर्ड करूँगा, उसके बाद जाता हूँ सीधे मड वोल्केनो पे। सो भाई मैं 500 रुपये की फ़ीस पे की और जो बस की राइड थी 11 किलोमीटर्स की थी और मैंने पे किए कितने 50 सेंट, ऑलमोस्ट 25 रुपये में आराम से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, जिसके लिए लोग टूर्स बुक करते हैं 2000 रुपये 3000 रुपये और ये बहुत सारे हैं, बट मेरे हिसाब से भाई वर्थ नहीं है भाई। मैं इतनी दूरी पे हूँ, डिस्टेंस पे अच्छे खासे हीट आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्निंग माउंटेन, यू कैन सी इधर की सारी आँख जो है बुझ चुकी है, बस इतने में जल रहा है फिलहाल। देखो लोगों ने कॉइन भी फेंक रखे हैं इसके ऊपर, देखो सिक्के पड़े हुए हैं सारे भाई, हीट बहुत ज़्यादा है। ये जो भी आग जल रही है ना, पहले सोवियत यूनियन के टाइम पे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे पहले, तो कुछ वर्कर्स के थ्रू ना गड्ढा खोदा गया था तो मीथेन गैस की जो लीकेज हुई थी उसके वजह से ये अभी तक जल रही है और सेम एज इट इज़ अवेलेबल है उसमें। अगर आप जाओगे तो तुर्कमेनिस्तान में आपको हेल फायर के नाम से एक गड्ढा मिल जाएगा बड़ा सा, वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी सेम ही इंसिडेंट हुआ था, वर्कर्स ने कुछ काम के थ्रू जब गड्ढा वहाँ पर अपनी जो भी यूज़ किया होगा इंस्ट्रूमेंट या कुल्हाड़ी जो भी यूज़ किया होगा, जिसके वजह से मीथेन गैस हुई थी निकलना शुरू, तो उस मीथेन गैस को बंद करने के लिए ताकि लोगों को हार्म ना हो, साइंटिस्ट ने क्या किया वहाँ पर आग लगा दी और अभी तक वो जल रहा है। जस्ट बिकॉज वहाँ पे सेफ्टी के तौर पे गैस तो नहीं है बट वो बर्न करके जो भी है ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्निंग माउंटेन, चलता हूँ मैं आगे देखता हूँ फिर मड वोल्केनो, उसके बाद देखेंगे कहाँ जा रहे हैं आगे। सो देर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग अ गाइडेड टूर और नॉर्थिंग, यू कैन विजिट वेरी इजली। तो इसका तो हो गया, चलते हैं मड वोल्केनो पे जो कि है 12 नंबर पे। अब देखते हैं 12 नंबर किस साइड पे है। और जो मुझे मैप में कन्फ्यूजन हुआ कर रही थी जो मैंने चेक किया था भाई, दोनों मड वोल्केनो और आपका फायर माउंटेन यानार द्वीप जो आपका प्लेस है वहाँ पर मिलेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हो। मैंने एक्चुअली गेट योर गाइड पर चेक किया था, सो सबसे चीपेस्ट जो था वो 1900 का था जिसमें 4 प्लेसेस थे। उन 4 प्लेसेस में से एक मड वोल्केनो था, फायर माउंटेन था और 2 और प्लेसेस थे बट वो मुझे करने नहीं थे। और लिटरली भाई आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है, अगर मेरे वीडियोज़ आप देख के आओगे तो ईजिली आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 147 जो है बस यहाँ आती है, अगर आप जो मैंने आपको मेट्रो लास्ट स्टेशन बताया था वहाँ से ईजिली ले सकते हो बाहर निकल के, और सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ पे करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी एंट्री फीस है 500 रुपीज़, 450 कह सकते हो ना कि 500। हेलो भी लोग अपना भैया आर्चरीज करते हैं, टोपी लगानी पड़ी, चश्मा पहनना पड़ा जस्ट बिकॉज भाई गर्मी बहुत है। मड वोल्केनो के लिए भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, देख सकते हो चारों तरफ से बहुत ही एंट्री पॉइंट, उधर से वुडन आप चाहो तो ये स्कूटर ले सकते हो अगर आपको चलना नहीं है तो। तो ये विजिट मैंने कितने में किया, ओनली 25 रुपीज़ में, एंट्री टिकट को आप छोड़ दो उससे कोई मतलब नहीं है, 25 रुपये
में आप निज़ामी स्ट्रीट से आराम से यहाँ पहुँच सकते हो, और एक एक मन्नत या फिर 50 सेंट आप मेट्रो का किराया मांग के चलो तो कितना हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली 50 रुपये आप पे करोगे, और स्ट्रेट अवे आप निज़ामी स्ट्रीट से यहाँ ज्ञानार्थिक जो कि लोकेशन है यहाँ पर आइएगा, और यहाँ पर आपको दो लोकेशन ज़रूर मिलेंगी, हॉट बॉल कैनो और आपका हो गया फायर माउंटेन। फायर माउंटेन में आपको स्थानीय ज्ञानार्थिक और भी थोड़ा बहुत होगा, बस थोड़ा ही सा रह गया, इससे जहाँ सारा निकल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग गैस, और ये सारे जो अभी आपको देखने की चीज़ें मिल रही हैं हेरिटेज मार गया है ये भी, ये सब सोवियत यूनियन के टाइम पे हुआ है, जब पहले सोवियत यूनियन एक्सपेंड हो रहा था, जब कंस्ट्रक्शन हुई थी उस कंस्ट्रक्शन में एक ये जगह थी और एक तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हेल फायर के नाम से बहुत बड़ा गड्ढा है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत छोटा है, बट वहाँ पे एंट्री बहुत आसान नहीं है, उसके लिए आपको टूर गाइड चाहिए होगा, जैसे कि भूटान में हो चुका है, बिना टूर गाइड के आप घूम नहीं सकते हो, हर एक चीज़ बुक होनी चाहिए और टूर गाइड ही आपका सारा कुछ अरेंजमेंट करेगा। सोवियत यूनियन के टाइम से ये सारी चीज़ें निकली हैं जो कि अभी हेरिटेज में आ चुकी हैं, और सभी जगहों पे एंट्री फीसेस भी लग चुके हैं, और ये तो अभी कुछ नहीं है, आप हेल फायर देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और इन फ्यूचर अगर मैं जाता हूँ तुर्कमेनिस्तान तो ज़रूर आपको वहाँ पर भी दिखाऊँगा। और एक नया अपडेट बताना चाहूँगा, ये ट्रैवलर्स के लिए स्पेशली है जो वीज़ा इमिग्रेशन को लेकर परेशान रहते हैं हमेशा, कि इंडिया में ही उन लोगों को डिनाई कर दिया जाता है, जैसे यूएस है, यूएस में क्या होता है TSA बोलते हैं और KTN नंबर बोला जाता है, सिक्योरिटी पास के लिए होता है। सो आप वो सारी सर्विसेज इंडिया में भी शुरू हो चुकी हैं, इंडिया में क्या है FTI और TTP के नाम से वेबसाइट है, मैं उसका लिंक वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी जाएं और रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास में एक मेल आएगा कि जो आपने डिटेल्स फिलअप की हैं जिसमें आपका पासपोर्ट और एक एड्रेस प्रूफ और एक आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, ये लगेगी, बाकी डिटेल्स सबमिट करने के बाद से अगर अप्रूवल आता है तो आप दो जगह से फिंगरप्रिंट के जो है डेटा वो देंगे, जो कि होगा एयरपोर्ट इमिग्रेशन के टाइम पे या फिर पासपोर्ट ऑफिस पे या फिर आपका वायल इमिग्रेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर जाके आपको फिंगरप्रिंट देने होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप एक ट्रस्टेड ट्रैवलर्स में आ जाओगे लिस्ट में, जिसमें आपको जब भी आप इमिग्रेशन करने जाओगे आपकी अलग से क्यू होगी, और जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे एयरपोर्ट पे कहीं पे देखा होगा आपने डिजी यात्रा का अलग से चैनल बना हुआ है, सेम एज इट इज़ आपके फास्ट इमिग्रेशन का भी एक चैनल अलग से बनेगा, जिसमें आपको कार्ड मिलेगा, वो कार्ड आप टैप करोगे और स्ट्रेट अवे आप इमिग्रेशन क्रॉस कर दोगे विदाउट एनी क्वेश्चन एंड ऑल दैट। देखता हूँ ऊपर जाके कुछ मिलता है कि नहीं, ये ना। सो ये जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है ना, ये जल्दी ही मतलब फुल फ्लेज सर्विस में शुरू हो जाएगा, और अभी जैसे ही ये सर्विस शुरू हुई थी मैंने नेक्स्ट डे ही उसको अप्लाई कर दिया था, सो मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, इट इज़ अंडर प्रोसेस, अगर वो अप्रूव होता है तो मुझे अप्रूवल नंबर और सब कुछ आ जाएगा, फिर मैं एयरपोर्ट पर जब इमिग्रेशन करूँगा नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो वहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट जो है एक बार के लिए एक्सेस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर मैं जब भी ट्रैवल करना चाहूँगा मुझे बार बार इमिग्रेशन ऑफिस पर जाकर खड़ा नहीं होना है, ना ही इमिग्रेशन फेस करना है, मैं सिर्फ अपना कार्ड टैप करूंगा और सीधे इमिग्रेशन क्रॉस कर लूंगा बैगेज के बाद से। इतनी धूप में आना भाई बेवकूफ़ी है यार, क्या ही बताऊं मैं, बट अपने पास टाइम भी नहीं है, 4 दिन यहाँ पे सिर्फ स्टे कर रहा हूँ मैं बाबाकू में, आज पूरे दिन भर मैं यही वैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मड वॉल्केनो हो गया जो मुझे आना था, और एक फायर माउंटेन, मुझे लगा था थोड़ा बहुत कुछ अलग होगा बट एज सच मिला नहीं अलग। सो ये सूखे पड़े हुए देखो भाई मड वॉल्केनो, ये सारे मड थे देख रहे हो, अभी भी हल्की फुल्की आप ये देख सकते हो ना, अब जैसे जैसे समय और बीतता जा रहा है ये सब कुछ एक्सटिंग्विश होता जा रहा है धीरे धीरे, आपको आगे इन फ्यूचर में नहीं मिलेगा, देख लो भाई ये सब मड वगैरह, देख लो पानी वो वॉल्केनो में से ही सब निकल रहा है। मड बॉल करना तो दिखा नहीं, सो ये आप देख पा रहे हो मिल स्टोन है 14th century के, द विलेज ऑफ मोहम्मदी, ये तबके हैं कवाल स्टोन से रखे हुए यहाँ पे, ये भी मिल स्टोन है, टूट चुके हैं, मिल में जो काम हुआ करता था। फोन रिंग यूज्ड टू फास्टन डोमेस्टिक एनिमल्स, सो जब गांव में खोटों में जिसे बोलते हैं खोटों में हम लोग जो गाय बछड़े या फिर जानवर बांधते थे घोड़े वगैरह, तो ये कुछ वो चीज़ें थी जहाँ पे बांधा जाता था जानवरों को। स्टोन मैनेजर जैसे कि रखे हुए हैं छोटे छोटे स्टोन, सो ये आप देख सकते हो
ये भी 17th सेंचुरी का है। ये है स्टोन गटर 14th से 15th सेंचुरी के बीच में। ये है स्टोन बेसिन टू क्रश ऑफ ग्रेप, यहाँ फ्रूट वगैरह जो भी है रख के क्रश करते थे, यहाँ से निकलता था फ्रूट। और ये 17th-18th सेंचुरी का। देखो ये रहा इंस्क्रिप्शन ऑफ 13th सेंचुरी विलेज ऑफ मोहम्मदी, कट स्टोन विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सन। ये ग्रेप स्टोन थे, ये वाला विलेज स्टोन ग्राइंडिंग मिल सेंचुरी, ये ग्राइंडिंग के लिए जो ऐसे घुमाया जाता है। आपको इंडिया में अगर जो लोग रहते हैं उनका मालूम होगा, उन्होंने देखा है स्टोन बेसिन मिल स्टोन, ये भी है। थोड़ा बहुत तो बिजली का होना पड़ेगा, नहीं तो फिर